फनी एक ये था कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज वेंट टू द यूके एंड मैं जब उतरा तो गोरे ने मुझे अपने साथ पिक किया, और जब वो अपने मुझे घर लेकर गया तो आई जस्ट रियली डिड नॉट रियलाइज कि उसका जो मिरर था वो मतलब इस तरीके का था कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखा तो मैं बेसाख्ता बोल पड़ा हेलो हाय अपने आप अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलीम अकबर और आप देख रहे हैं चैट विद सलीम अकबर। आज हमारे साथ जो क्रिकेटर मेहमान हैं, इनका ताल्लुक बहावलपुर से है। इन्होंने बहावलपुर और वापडा की तरफ से 128 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और 5,500 फर्स्ट क्लास रन हैं इनके, 197 इनका हाईएस्ट स्कोर है। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और कैसे हैं जनाब? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई, एंड थैंक यू वेरी मच टू यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जो है सबको सलाम कहना चाहता हूं और बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहता हूं सबको। थैंक यू यार, काफी अरसा ही हो गया हमारी आपस में बात नहीं हुई है, अंडर 19 के टाइम के बाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है सलीम भाई, बिल्कुल ऐसी है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई मीन के बड़ी खुशी हुई आफ्टर लॉन्ग टाइम वी जस्ट गेट मीट टुगेदर। And at least glad to see you, inshallah, and all time. I have few questions, very small ones. So we start from them. Those questions, ठीक है, छोटे-छोटे questions हैं, उनसे start करते हैं. Who was the best captain you played under? I have played with Amir Bashir, and the late Amir Bashir. He was a good captain. कोई warm up या fitness routine ऐसी हो जो आप hate करते हो करना? आपको पता ही है कि हमारा एक कल्चर है और हमारा मतलब एशियन प्लेयर्स का एक बहुत अच्छा कल्चर यही है कि वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं वार्म अप को, और स्पेशली वार्म अप जस्ट लाइक यू नो के हम लोग बहुत ज्यादा लव करते हैं, बॉल कर लिए, बैटिंग कर ली और साथ मतलब थोड़ा बहुत कर लिए, बस यही हमारी वार्म अप होती थी और इसी को हम एंजॉय करते थे। लेकिन अदर देन दैट अगर मैं कोई फोर्स करता था कि यार थोड़े से ग्राउंड के राउंड लगा लें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें बड़ा जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। कोई ऐसा बॉलर हिस्ट्री का जिसके अगेंस्ट बैटिंग करने को दिल चाहता हो कि काश यार मैं इसके अगेंस्ट खेलता? आई थिंक सलीम भाई मैंने बहुत सारे मतलब डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं और बड़ा मैंने एंजॉय किया है, और मेरी जो विश रही है कि मैं मोहम्मद आसिफ के खिलाफ खेलना चाहता था लंबा कि ताकि मुझे चांस मिले मैं उसको फेस करूं, मैं उसको खेलूं। I mean, के जैसा मैं स्क्रीन पे देखा, जैसा मैंने वैसे उसको देखा कि ही वाज अ रियली टेरिफिक बॉलर एंड ही वाज रियली लेजेंड। अगर आप अभी बच्चों की कोचिंग करना चाहें बैटिंग में, सबसे पहला क्या टिप्स उनको देंगे? सलीम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो अभी तक क्रिकेट खेली और जो मैंने अभी तक जो मैं देख रहा हूँ और जो मैंने अपने उस हिसाब से देखा है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक है कि हम लोग अपनी जो फ्लॉ है ना वो हमारी टेक्निक पे है। मैं जो अपने यंगस्टर्स को जो अपने उनको बात करने की जो कोशिश करता हूँ हमेशा, अपनी टेक्निक जो ना वो आप दुरुस्त करें। देखें, टैलेंट तो एवरीबॉडी गॉट द डिफरेंट टैलेंट, आप टैलेंट से तो हर चीज पिक कर जाते हो, लेकिन लेटर ऑन आपको जो लैग करती है वो आपकी टेक्निक। अगर आप टेक्निकल वाइज अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली यू आर रियली स्ट्रगल्ड इन द लेटर ऑन, तो ये बहुत जरूरी है। मैं टेक्निक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ इन बैटिंग। आप कुकिंग कर लेते हैं खुद? जी बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कुकिंग करता हूँ कौन सी डिश है जो आप बड़े शौक से बनाते हैं? मैं सलीम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चिकन बहुत अच्छा बना लेता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ चिकन बनाने में, और उसको ये है कि मैंने बहुत दफा बनाया भी है और अपने दोस्तों को भी खिलाया एंड दे रियली लव्ड इट। बचपन में किस बैट्समैन को आप कॉपी करना चाहते थे? इनफैक्ट जो मेरा कोई पर्टिकुलर कोई नहीं था कोई फेवरेट बैट्समैन, लेकिन ये था कि मैं हमेशा जो देखता रहा हूँ सम हाउ रीजन के सचिन तेंदुलकर को मैं बहुत देखता रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मतलब कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये मुझे जो सबसे ज्यादा जो चीज उसकी अच्छी लगती थी, हिज परफेक्शन, हिज टेक्निक इज वेरी गुड अगेंस्ट
medium pace against the spinners. He's played excellent. And after that, I just really love to watch Inzi Bhai in the Mamula. पाकिस्तान में आपकी फेवरेट ग्राउंड? मेरी फेवरेट ग्राउंड जी जो है वो मुल्तान की है। अगर आपको भी टाइम मिले माजी में जाने का और अपने आप को मिलो आप 16 साल के रेहान रफीक को, क्या मशवरा देना चाहोगे उसको? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सजेशन यही दूंगा अपने आप को कि जो है मैंने बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं सीखी थी जो मुझे बहुत बाद में पता लगी, और आई थिंक जो बेस्ट चीज है वो ये कि डू वर्क हार्ड एंड प्ले विद योर सिंसियरिटी एंड प्ले विद योर पैशन। अगर आपके पास कुछ सुपर पावर होती तो कौन सी होती? वेल सुपर पावर की जहां तक बात है, देखें एज अ प्लेयर अगर मैं चाहता तो जो चीज मैं समझ रहा हूँ, जो चीज मैं एक सोच रहा हूँ वो ये कि अगर मुझे पीसीबी का कोई चेयरमैन ही मिल जाती या मुझे पीसीबी का कोई लीगल एडवाइजर मिल जाता तो मैं दो तीन चीजें जो मेरे जहन में थी जो हम लोग हमेशा से लैक कर रहे हैं तो मैं उनको लाजमी सजेस्ट करता या मैं उसको लाजमी उसको सुलझाने की कोशिश करता जो हम लोग बहुत ज्यादा ही मतलब काफी अरसे से उस चीज को लैक कर रहे हैं। मसलन कौन कौन सी चीजें? मसलन देखें हम देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, हम हमेशा एक बात करते हैं कि जी हमने वो 92 का वर्ल्ड कप खेला, हम 2.5 बॉलर से वर्ल्ड कप जीत गए, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने यूं कर दिया, लेकिन अगर आप उसकी बिहाइंड स्टोरी देखें ना सलीम भाई कि आपका एक बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल था आपका इन पाकिस्तान में डोमेस्टिक में, तो जहां से आप लड़के आपके बहुत मेच्योर होकर क्रिकेटर निकलते थे एंड नाउ इन मॉडर्न डेज क्रिकेट आपने उनको मतलब जीन्स की पैंट पहनने का मतलब उनको तरीका तो सिखा दिया है, ये गौर अमीन कि मतलब उनको आप बेहतर तौर पे बता नहीं सक रहे या उनको बेहतर एटमॉस्फेयर नहीं दे सक रहे कि वो अपने आप को हाउ दे बिल्ड अप एज अ प्लेयर इन द ग्राउंड जो मेच्योरिटी के हिसाब से है, जो हम लोग एक चीज लैक कर रहे हैं। मतलब हम प्रोफेशनली तो सलीम भाई हमारे पास फिजियो भी है, ट्रेनर भी है, सब कुछ है। आप ये देखें 92 का वर्ल्ड कप हम जीते नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान, मैं इसमें पूरी टीम को बहुत दाद दूंगा और पूरी टीम को एक बहुत मैं हमेशा से वो करता रहा हूँ, दाद देता रहा हूँ, पूरी टीम इस चीज की जो है जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी वजह ये थी सलीम भाई कि हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था। मतलब एक प्लेयर अगर वो अपनी शहर से भी खेल रहा है तो दूसरा प्लेयर वही प्लेयर जो है वो अपने डिपार्टमेंट से भी खेल रहा है and you just become a really competitive cricketer rather than you just play some games in domestic season. जब आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा होता है या आपका थोड़ा बहुत आपको कुछ आप सीखना चाहते हो या कुछ कर रहे होते हो या आपका कुछ कह लें कि आपका कुछ थोड़ा सा रन होना शुरू होते हैं, योर डोमेस्टिक सीजन इज फिनिश्ड। सो आई थिंक पहले ये होता था कि आपके पास 18 मैचेस होते थे एंड यू नो वेरी वेल दैट जब आप भी खेला करते थे कि आपको पता था कि जब एक अंडर 19 से एक लड़का जाता था फर्स्ट क्लास एंड देन ही जस्ट प्लेड इज मतलब कि डिपार्टमेंट क्रिकेट एज वेल, सो टोटल ऑल अबाउट गेम्स इज लाइक 24-25। जब एक लड़का डेफिनेटली अब एक लड़का अगर 25-26 मैचेस सीजन के खेलता है दैट मींस ही इज अ सुपर डुपर फिट एंड ही जस्ट सस्टेन द प्रेशर एज वेल। तो यही वजह बात थी जिसकी वजह से हम 92 का वर्ल्ड कप खेले। अब अफसोस की बात यह होती है सलीम भाई कि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि जो भी नया शख्स आता है वो कहता है मैं कुछ ऐसा नया कर जाऊं कि कुछ नया ही हो जाए, वो बजाय उस चीज के कि हम लोग इस चीज की थी क्या वजूहत थी क्या चीज थी, ये मेरे ख्याल है कि एक मेन रीजन थी। आपने 128 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, कौन सा बॉलर सबसे मुश्किल लगा खेलते हुए? अब मुझे डोमेस्टिक जब मैं खेला और मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस ऑल टुगेदर लिस्ट है कि मैचेस भी मिलाए सलीम भाई, तो मैं आपको बताता चलूं 182 समथिंग मेरे मैचेस हैं और मैंने अपने कैरियर में जो सबसे अच्छा जो बॉलर देखा और जो उसको फेस भी किया वो मुझे देखे अंडर 19 ऑब्वियसली आई जस्ट हैड अ फ्यू गेम्स अगेंस्ट यू, मतलब आई जस्ट रियली ये मजाक की बात नहीं है सलीम भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब आप लोगों के खिलाफ खेला और मतलब वेरी सरप्राइज कि मतलब आप अगर होते डेफिनेटली यू विल बी अनदर स्टेज कि मतलब आप और स्टेज पे होते, लेकिन एनी हाउ रीजन आफ्टर some matches and in first class matches I just really enjoyed it and just really like to face against the Shahid Nazir. I think he is one of the best fast bowler in our country
in our domestic season in our Pakistan team, I think, which is I just really enjoyed it against him. Any celebrity you would love to date? Well, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कुछ नहीं है मेरे पास इसका जवाब उम्मीद पर जिंदा है हाँ जी ये कह सकते हैं, उम्मीद पर जिंदा है बिल्कुल अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बने तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा एक्टर आपका रोल प्ले करेगा? Well, ये तो डिपेंड करता है सलीम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कि आपके डायरेक्टर को और किसी फिल्म के कि वो किस को मतलब लेना चाहता है, लेकिन जो मैंने जो जो देखा है जो एक्टर है ये अदनान सदीकी इज वन ऑफ द गुड एक्टर, तो आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। कोई आपने जिंदगी को कोई फनी वाकया याद आपको? Well, funny एक ये था कि first time when I was went to the UK and मैं जब उतरा तो गोरे ने मुझे अपने साथ पिक किया, और जब वो अपने मुझे घर लेकर गया तो I just really did not realize कि उसका जो mirror था वो मतलब इस तरीके का था कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखा तो मैं बेसाख्ता बोल पड़ा हेलो हाय अपने आप which is very funny thing for me and thanks God कि वहाँ पर गोरे को ये चीज समझ नहीं आई और मैं इस चीज को जो है वो हाइड कर गया। Your favorite movie? Well, my favorite movie is Swarg. कोई माजी का ऐसा मैच है जो आपका दिल हो कि यार काश मैं इस मैच को खेलता? Well, एक चीज है सलीम भाई, मतलब ये मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एंड थैंक्स अ लॉट यू जस्ट गिव मी अ चांस टू स्पोक हियर, कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे चांस मिला अगेंस्ट अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स है परफॉर्मर्स है इन 2014, तो मुझे था कि मैंने कहा यार चलें परवरदिगार ने एक बड़ा अच्छा चांस दिया है तो इंशाल्लाह आई ट्राई टू डू माय बेस्ट इंशाल्लाह। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ और सुबह की मीटिंग होती है तो उसमें ये होता है कि टोटल 11 प्लेयर जो हैं वो आपको इनवाइट किए हुए थे कि मैच खेलने, तो सुबह 6 बजे जो है पता ही चला कि 4 और आ गए और वो 4 वो अंदर थे और मैं बाहर था एज यूजुअल जो पाकिस्तान में होता है। तो बहरहाल आपको पता है ये थोड़ा सा मुझे ये था कि मुझे एक शौक था कि चले मैं मतलब एक अपने आप को परवरदिगार, क्योंकि देखें जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं जब आप कॉन्फिडेंट हैं, नहीं मिला चांस इस चीज का दुख नहीं है, लेकिन था ये कि जो तरीकेकार था जिस तरीकेकार से 4 लड़के और आए वो थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है I mean, I'm just trying to say our system is you know so bad। लाइफ में कोई है रिग्रेट? Well, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है परवरदिगार से, हमेशा यही करता हूँ कि शायद अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने बहुत चांस दिया, बहुत सब कुछ खेला, क्योंकि देखें ओवर 25 इयर्स आई जस्ट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट विच इज नॉट ईजी एंड यू नो दैट एज अ प्लेयर इट्स वेरी हार्ड। आई मीन के फर्स्ट क्लास खेलना सलीम भाई कोई मसला नहीं है, असल जो चीज है ना वो जो मैं आप यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ कि यार आपको मेंटेन करना बहुत बड़ा मसला है, वो जब आप मेंटेन अपने आप को करते हैं ना तो दैट यू बिकम अ रियली प्रोफेशनल। तो उसके बाद मुझे ये था कि मैं बड़ा होपफुल होता था और अभी भी ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है बड़ा होपफुल हूँ अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक चीज रह गई थी कि जो मेरे पूरे पाकिस्तान में मतलब 125 लड़कों में जो मैं तीसरे नंबर पे था और मेरी 125 की एवरेज थी, और उसमें मतलब कि मैं सोच रहा था कि मुझे चांस मिलेगा पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द मेड 4 टीम्स एंड वुड यू बिलीव दैट आई हैवन गॉट द चांस इवन इन दैट टीम्स। सो थोड़ा सा वो मुझे वो था वो जो साल थे वो 3 साल वो बहुत मेरे कैरियर के टॉप के थे, तो खैर मैं ये भी कहूंगा कि साथ साथ हो सकता है शायद परवरदिगार ने कोई इसी में कोई मेरी बेहतरी रखी हो कोई बेहतरी हो इसमें। आपकी फेवरेट इनिंग्स कोई कौन सी थी? मेरी फेवरेट इनिंग जो थी सलीम भाई वो मैंने खेली थी रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान के खिलाफ, तो उसमें मेरे 197 नॉट आउट था
और मुझे इसलिए याद है कि जो मेरे साथ का जो लास्ट मैन था, और मेरी कोशिश थी कि मैं 5 बॉल खुद खेलूं और आखिरी उसको दूं कि ताकि किसी तरीके से रोक ले, तो वो जब वहां पर गया और वो बेचारा सरवाइव ना कर सका. आई मीन आई जस्ट ट्राई टू रियली गुड इनिंग्स विद मी, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वो बेचारा सरवाइव ना कर सका और उसमें ये था कि वो बेचारा आउट हो गया और मैं 197 पे नॉट आउट ही दूसरे एंड पे ठहरा रहा. तो वो कोशिश मेरी यही थी कि इसको लंबा लेकर जाऊं और खेलूं और उसको सिर्फ एक ही बॉल दूं, वो एक ही बॉल जो है वो बस बेचारा आउट हो गया उस पे. आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको? मुझे ज्यादा जो सपोर्ट किया सलीम भाई वो मुझे किया मेरे वालिद साहब ने, और उसके बाद जैसे आप चलता जाता है उसके बाद दोस्त से, फिर दोस्तों ने जो है मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. फिर आपको पता है जब आपको एक गाइडलाइन चाहिए होती है, लेकिन जो अच्छा जो जिसे कहते हैं ना कि जो आपकी एक स्टेज होती है, मतलब मैं 3rd क्लास में था मुझे याद है, और मेरे वालिद साहब मुझे एक साइकिल पे लेकर जाया करते थे. खुद वो एक वकीलों का नेट होता था, लॉयर्स की एक टीम होती थी, तो उधर जाके मुझे थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सा फिर मुझे शौक पैदा हुआ. फिर मेरे वालिद साहब बेसिकली इज ए 1st क्लास प्लेयर, तो उसमें यह था कि मुझे थोड़ी सी गाइडलाइंस घर से भी मिल जाती थी, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बस वहीं से शौक चला और ऐसा चला कि चल सो चल. फिर वो कब कहाँ कैसे प्रोफेशन बन गया, तो वो फिर आपको पता ही है जब एक दफा आप आ जाए इस तालाब में तो फिर आप सीख ही जाते हैं तैराकी. रेहान, आपके कुछ दोस्तों ने आपके लिए मैसेजेस भेजे हुए हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम मुर्तजा हुसैन है और मैं एक्स 1st क्लास क्रिकेटर हूँ, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है और अक्सर एक काउंटी प्लेयर हूँ इंग्लैंड से. मैं रेहान रफी के बारे में बात कर रहा था जो भावलपुर के 1st क्लास क्रिकेटर हैं और नहायत अच्छे इंसान हैं. उन्होंने भावलपुर की तरफ से, अभी बैंक की तरफ से, पाकिस्तान कस्टम की तरफ से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से 1st क्लास क्रिकेट खेली है और उनमें परफॉर्म किया है. माशाल्लाह लेजेंड क्रिकेटर में उनका नाम आता है भावलपुर के, और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. उम्मीद करता हूँ कि आगे भी क्रिकेट खेलें और अच्छा परफॉर्म करें. बेस्ट ऑफ लक रेहान रफी भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती और खुश रखे. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम ज़ोर अली है, मैं पाकिस्तान टीम से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आज के मैं सदर पंजाब का कोच हूँ. रेहान रफी के बारे में यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेहान रफी एक बहुत हार्ड वर्क प्लेयर था और मेरे साथ ये बैंक में खेला है, इसने बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसें की हुई हैं, ये भावलपुर रीजन से भी खेला है और डिफरेंट डिपार्टमेंट से खेला है, और ये एक हार्ड वर्क प्लेयर था. और इसके बारे में मैं आपको ये बताता जाऊँ, जब ये मेरे साथ खेलता था, एक तो मुझसे जूनियर था, दूसरा इसने मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की और अच्छा परफॉर्म किया, जिससे इसका नाम बहुत ज़्यादा. बट वो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से नहीं खेला, बहरहाल वो बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है. What can I say about Rehan? Rehan is an absolute fantastic cricketer. He had some great innings at Glodwick and also Staley. He was a fantastic player for Glodwick. His career stats say it all, the performance that he has done. He is a fighter on the field, a great motivator, great captain, and a fabulous career he had at Glodwick. Outside the cricket, a fantastic coach, a great person, a great person to be around, a caring person, loving person, and overall, it's been a pleasure knowing Rehan. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फ़ियाज़ है, मैं हेड कोच हूँ पाकिस्तान इंटर क्रिकेट टीम का लास्ट 15 ईयर से. रेहान भाई का और मेरा तल्लुक तकरीबन 20 साल पुराना है. हमारा ये सफ़र इकट्ठा शुरू हुआ था क्रिकेट से जब हम अंडर 16 लेवल पे खेल रहे थे, उसके बाद फिर अंडर 19 में एक दूसरे के मुखालिफ खेले, फिर 1st क्लास क्रिकेट में आ गए माशाल्लाह. तो रेहान भाई एक बहुत ही नफीस इंसान है, हमदर्द दिल रखने वाले इंसान है. जितना मैं रेहान भाई को जानता हूँ, जितना मैं उनके क्लोज रहा हूँ क्रिकेट खेलते हुए, रेहान भाई इज़ अ वेरी गुड 1st क्लास क्रिकेटर और वेरी हार्ड वर्कर. आप यकीन करें कि यहाँ बहुत सी 1st क्लास क्रिकेट में कामयाबियाँ जो है ना रेहान भाई की टीम ने रेहान भाई की वजह से सिमटी है. तो रेहान भाई, अल्लाह आपको आने वाले वक्त में मजीद कामयाब करें, आपको मजीद जो है ना चीज़ों से नवाजें, और अल्लाह पाक आपको ऐसी हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की मजीद खिदमत कर सकें. अल्लाह हाफिज़. Hello everyone, this is Usman Rafiq. I'm a USA national team player.
I'm here to talk about Rehan Rafiq, who's my older brother and definitely my mentor over the time, because I started playing cricket looking up to him, watching him, you know, working so hard, putting so many hours in. He had, I think, in my eyes, actually, he was the only one who put, you know, so much effort to make it up to where he was. And again, I see him as my motivation. He is one of a very class act who believes in working hard. And I admire him, and we always talk about, you know, different things about life, but especially cricket. So I take so many good positive things from him. And I see he likes to work with, you know, everyone, pretty much whoever asks him for any types of tips or ideas or different things about cricket. He's willing to be out there at no cost. He's just, you know, trying to help out whoever he can and give the experience that he has gained over the course of years. So I wish him good luck, and definitely look forward to see the future and see how things goes for him. जी जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के तवस्त से मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो है जो मैसेज भेजे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे जो है सीनियर प्लेयर जहूर भाई, एंड इज ए इंटरनेशनल प्लेयर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज कहे, उन्होंने आपको जो है वो सारा मेरा भेजा उन्होंने. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और इज वन ऑफ द बेस्ट कलीग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और बहुत कुछ मैंने उनके साथ अपना अच्छा टाइम भी गुजारा हुआ है. और उसके बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मतलब के हम उम्र मेरे साथ भी खेले हैं, उमर उनका नाम है, और पाकिस्तान डेफ टीम के इंटरनेशनल कोच भी हैं. आई वुड लाइक टू से थैंक यू उमर भाई, थैंक यू वेरी मच. और उसके बाद मूर्ति माय बेस्ट मेट, आपको पता ही है ऑब्वियसली मूर्ति इज जो है मेरे अंडर 19 की मेरे कैप्टन भी थे व्हेन यू वर गेम इन बहावलपुर इन अंडर 19, especially against us, and he just my senior player, and obviously just county player. I would like to say thank you Murtuza bhai, thanks a lot Murtuza Hussain. Aur uske baad mere mera youngest brother aur international player from USA, and he just give me a best compliments for me. Thank you Usman, thank you very much. Aur uske baad main bahut thank you ada karna chahunga मेरे इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा क्लब है जिससे मैं बहुत लंबा अरसा खेला हूँ. द क्लब नेम इज ग्लोडिक क्रिकेट क्लब इन इंग्लैंड इन ओल्डम स्पेशली. आई हैव बीन एज अ प्रोफेशनल लॉन्ग टाइम एंड आई हैव गॉट रियली रियली रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट क्लब. एंड वहाँ से मुझे एक आया मैसेज, और उसका जो कैप्टन है मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. हिज नेम इज टाइगर, ही इज माय कैप्टन, ही इज माय बेस्ट बडी. ही जस्ट रियली सपोर्ट मी व्हेन आई वाज प्लेइंग इन ग्लोरिक. आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक्स अ लॉट टाइगर, थैंक यू. प्रोग्राम के एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सलीम भाई, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ. एक बात यह है कि देखें, मेरे से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये नहीं कि मैं कोई खुदा ना खासा कोई मेरी कोई एक कह लें कि कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, देखें हम लोग कि एक तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ देखें एक फर्स्ट क्लास प्लेयर है लाइक मी माई सेल्फ, मैंने 182 मैंने मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट ए के मैचेस मिला के. सलीम भाई, पीसीबी को एटलीस्ट ये करना चाहिए कि जो बंदा 50 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, एटलीस्ट 50 फर्स्ट क्लास गेम, दे शुड प्रोवाइड द जॉब और आई मीन पेंशन, लाइक पेंशन. क्योंकि देखिए, अगर हमने कुछ चीज फॉलो करनी है तो वो जस्ट ट्राइंग टू फॉलो आवर नेबर कंट्रीज, तो उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि उन्होंने अपने जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छी अच्छी हैंडसम आपको एक पेंशन या आपको एक हैंडसम सैलरी देते हैं कि जिसमें आप अपने घर का गुजारा कर सकते हैं. तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने क्रिकेट छोड़ी मुझे इस चीज का बहुत एहसास हुआ, और मैंने अपने सामने जो मेरे दोस्त अहबाब थे, जो यार दोस्त थे, जो वो बेचारे सिर्फ इसी खौफ से ही मर गए, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए कि यार हमारे पास तो कोई पता नहीं कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। तो उनकी फैमिली थी, दे जस्ट रियली गेट स्ट्रगल विद इट के आफ्टर द फिनिश कैरियर। तो बस वो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम तवज्जो से कि पीसीबी को चाहिए कि एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एक ऐसा कोई प्रोग्राम रखें कि जिसमें जो एक एटलीस्ट जो बंदा एक अच्छे फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहा हुआ है उसको एक अच्छी पेंशन या अच्छी जॉब दे सकें। अदरवाइज आपका हमारा जो जैसे हम दुनिया पे राज करते थे हॉकी में, हो सकता है शायद दुनिया बातें ही करे कि जी क्रिकेट भी जो थी पाकिस्तान की थी, वो थी पर ही हम लोग रह जाएंगे। और देखें आज तक हम लोग मिसाल देते हैं 92 के वर्ल्ड कप की, बिकॉज वी हैव एन अकॉर्ड एनीथिंग, कि मतलब हमने उस 92 के वर्ल्ड कप से जो हमें एक स्टेज मिली, ये नहीं सोच रहे कि हमने कैसे जीता, क्यों जीता, ये देखें कि हमने क्यों जीता और उसके पीछे स्टोरी क्या थी, कि क्योंकि उसके पीछे आपका डिपार्टमेंट से जो आपकी फैमिली को आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाती थी, आपका दिल करता था क्रिकेट खेलने का। आप ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछते हैं सलीम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के दौर में कोई लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी क्रिकेट के इक्विपमेंट्स, और कोई भी आप देख लें कि स्ट्रगल नहीं कर सकता। एवरीबॉडी वांट्स टू यू नो शॉर्टकट, कि शॉर्टकट के थ्रू किसी तरीके से चले जाए। तो ये जो एक है कि हमारे नौजवान एक दो चीजें तीन चीजें अपने अंदर डालें, डू वर्क हार्ड विद योर सिंसियरिटी विद योर सेल्फ, और तीसरा ये कि आप अल्लाह तवक्कल करें कोई भी चीज, बजाय इसके कि हम सारा दिन एक दूसरे के पीछे जो है वो टांग खींचने में लगे रहें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। बस ये तीन चार बातें थी जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करना चाहता था। आई होप पीपल विच इज अंडरस्टैंड एंड दे जस्ट रियली गॉट माय पॉइंट। आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ सलीम भाई, और दूसरा आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और क्योंकि आपके इस प्रोग्राम की बदौलत हम क्रिकेट के जो भी प्लेयर्स हैं जो अपने कैरियर को खत्म कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमें जो इज्जत मिली है, जो हमें आपने अटेंशन दिया है, विट इज बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस ये जो आपने काम की है माशाल्लाह कैरी ऑन, हमें बड़ी खुशी हुई है, और माई बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच रेहान, इंशाल्लाह हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, सब जितने दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि इसी नीयत से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो क्रिकेटर्स नहीं खेल सके पाकिस्तान के लिए, वो कम अज कम अपनी फैमिलीज, अपने यारों दोस्तों, अपने यू नो रिश्तेदारों में उनको दिखा सके कल को इज्जत के साथ कि भाई हमने भी अच्छा स्टैंडर्ड खेला हुआ है, यू नो हम कोई गुमनाम क्रिकेटर नहीं है। और इसमें मुझे जितने ज्यादा क्रिकेटर्स आपके जैसे हैं उन सब की हेल्प की भी जरूरत है। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करें, दूसरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तक हम ये बात पहुंचाएं, वो आएंगे प्रोग्राम के ऊपर, जितने ज्यादा अच्छे नेम आएंगे उतने ही ज्यादा हमारी बात अच्छे तरीके से आगे पहुंच सकती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्रिकेटिंग कैरियर का। मुझे याद है वो बिल्कुल बच्चा सा होता था रेहान जब हम भावलपुर के गेम्स खेले थे, और आपको खुश होना चाहिए, आपके वाला साहब की बात ठीक है कि आपने इज्जत के साथ अपना कैरियर खेला है, अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मेहनत की है आपने, कोई आपके ऊपर गलत किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई किसी किस्म की आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं मारे, आपने मेहनत की है ग्राउंड्स के अंदर, आपका नाम है, आपकी इज्जत है पाकिस्तान में और इंग्लैंड में, पाकिस्तान से बाहर जितने क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो आपकी जो भी क्रिकेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for thank coming you. to my show and giving me time. Thank you. Take thank care. you. Thank I, you. I hope you Once enjoy again, your thank you. life. No problem, brother. You take care. Take care. Thank you. Phir inshallah baat ho gaya. Allah Hafiz. Inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz. Thanks. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah. जी नाज़रीन, तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसी तरह इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए क्रिकेटर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।